हेलो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेकंड ऑफ द क्लास टेंथ साइंस द नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर और यूजेस के बारे में ठीक है और आज हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ठीक है एक बार हम स्टडी कर लेते हैं कि प्रीवियस जो हमने सॉल्ट स्टडी किए कौन कौन से सॉल्ट किए क्या उनके केमिकल नेम है ठीक है तो सबसे जो पहला सॉल्ट था वो था सोडियम क्लोराइड ठीक है NaCl ठीक है केमिकल जो फॉर्मूला है NaCl केमिकल नेम क्या है सोडियम क्लोराइड uh, और कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट क्या है कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ठीक है तो कॉमन नेम क्या आ गया कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को हम क्या क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फिर जो नेक्स्ट हमने स्टडी किया था वो था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स आपका वॉशिंग सोडा ठीक है वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है आपका फॉर्मूला क्या है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ठीक है और इसका केमिकल नेम क्या होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट डेका मीन्स टेन एच टू ओ हाइड्रेट होता है एच टू ओ के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल फिर थर्ड हमने स्टडी किया सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा एन ए ओ एच तो इसको क्या बोलते हैं हम कॉमन नेम क्या आएगा कॉस्टिक सोडा फिर आपका फोर्थ है एन ए एच सी ओ थ्री मीन्स आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा ठीक है आपने कंफ्यूज uh, नहीं होना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स ये भी तो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में कंफ्यूज नहीं होना है जो आपका वॉशिंग सोडा है इसमें सोडियम कार्बोनेट डॉट टेन एच टू ओ है और जो आपका बेकिंग सोडा है इसमें क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है तो कॉमन नेम क्या हुआ सोडियम हाइड्रोजन सॉरी बेकिंग सोडा और आपका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेक्स्ट जो आपका जो कल हमने स्टडी किया था सी ए ओ सी एल टू कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड ठीक है कॉमन नेम क्या हो गया कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड फॉर्मूला क्या हो गया सी ए ओ सी एल टू ठीक है और कॉमन uh, नेम क्या आ गया ब्लीचिंग पाउडर ठीक है आज जो हम स्टडी करेंगे सॉल्ट नेम क्या है कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कॉमन नेम ठीक है तो केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है सी ए एस ओ फोर हाफ एच टू ओ ठीक है तो आपने याद रखना है हाफ़ एच टू ओ होगा जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में है ठीक है और जो आपका सी ए एस ओ फोर कैल्शियम सल्फ़ेट ठीक है कंपेयर करना यहाँ पे टू एच टू ओ मीन्स कैल्शियम सल्फ़ेट डाईहाइड्रेट यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्र वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये क्या है जिप्सम ठीक है याद रखना है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल टू प्रेजेंट है और यहाँ पे जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ठीक है तो अब हम बात करेंगे प्रेपरेशन केमिकल फॉर्मूला तो हमें पता लग गया कि क्या है इसका हाफ एच टू ओ ठीक है ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है तो आपने क्या है अब प्रेपरेशन कैसे होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे ठीक है केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट ठीक है तो ये क्या है सी कैल्शियम सल्फेट हैमी मिन हाफ एच टू ओ प्रजेंट है इट इज़ केमिकली ओब्टेंड बाय हीटिंग द जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ केयरफुली टू द टेम्परेचर ऑफ टू सेवनटी थ्री कैलविन ठीक है आपने क्या है कैल्शियम uh, जो आपका जिप्सम है जिप्सम क्या है कैल्शियम सल्फेट ठीक है टू एच टू ओ आपने क्या है थ्री सेवनटी थ्री कैलविन तक इसको हीट करना है और आपके पास क्या आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ ठीक है तो प्लास्टर ऑफ़ पैरिस मैं ये प्रेपर हो प्रपेयर कहाँ से होगा जब जिप्सम को आप क्या करेंगे थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन पर हीट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है तो इस टाइप से हम क्या है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं द टेम्परेचर मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एट हाई टेम्परेचर प्लास्टर ऑफ़ पेरिस

टू थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन तक तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया अगर इसको फर्दर हाई टेम्परेचर पे, ग्रेटर देन आपका थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन चला गया टेम्परेचर ठीक है तो ये क्या है पूरे जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, वो क्या है ये वेपोरेट हो जाएंगे तो हमारे पास डिहाइड्रेटेड होता है कि इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कैल्शियम आपका सल्फेट फॉर्म हो जाएगा ठीक है और इसको क्या बोलते हैं डेड बर्न, प्ला, है? बर्न प्लास्टर ठीक है इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर ठीक है और जो आपका कैल्शियम टू एच टू ओ प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ तो इसको जिप्सम अगर हाफ एच टू ओ कैल्शियम सल्फेट के साथ तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका होगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे जिप्सम को हीट किया है वही रिएक्शन और यहाँ पे क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका फॉर्म हो गया है प्लस आपके थ्री बाई टू एच टू ओ मॉलीक्यूल्स प्रजेंट हो गए फिर अगर इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेटिड कैल्शियम सल्फेट में मतलब वाटर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे यहाँ पे वो क्या है टोटली इवेपोरेट वैपोरेट होकर आपके पास कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड फॉर्म हो जाएगा इन दी अबव केमिकल इक्वेशन वी हैव रिप्रेजेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस एज क कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू ओ वी ऑल नो दैट हाफ एच टू ओ एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन नॉट बी एडजस्ट कि आपका जो हाफ एच टू ओ वो एडजस्ट नहीं करता है तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है उस वो क्या होना चाहिए फिर टू ए एस ओ फोर एच टू ओ मतलब आप इसको बैलेंस करके क्या है इस टाइप से भी लिख सकते हैं हाउ एवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी प्लास्टर ऑफ पैरिस इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ ठीक है However, ना यूज ऑफ़ प्लास्टर ऑफ़ पैरिस फॉर मेकिंग दॉडल्स एंड कास्ट ऑफ़ टॉयज पोट्री एंड सेरेमिक्स ठीक है तो जो आपके प्लास्टर ऑफ पैरिस है किस में यूज़ होता है मॉडल्स को बनाने के लिए या आपके जो टॉयज़ हैं उनको बनाने के लिए या फिर जो आपके मिट्टी के बर्तन है उनको बनाने के लिए या सेरेमिक्स जो आपके चीनी के बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए नेक्स्ट है आपका फॉर कवरिंग दी वॉल्स एंड रूफ्स एंड फॉर द मेकिंग डिज़ाइंस ऑन देम इट इज़ कॉल्ड पॉप पी ओ पी ठीक है या फिर क्या है जो वॉल है या रूफ है उनकी क्या है जो उनको कवर करने के लिए या उन पे डिज़ाइन बनाने के लिए आपका यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर थर्ड है आपका इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर बोन्स अगर आपका क्या है बोन्स फ्रैक्चर uh, हो गई है तो सर्जिकल बैंडेज के रूप में ये क्या करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका वर्क करता है फिर फोर्थ है आपका इन द लेबॉट्री फॉर मेकिंग एयर टाइट एपरेटस बाय सेलिंग द गैप्स तो लेबॉर्ट्री में भी इसको क्या है यूज़ किया जाता है ठीक है अगर कोई अप्रेटस फॉर्म करना है जिसमें क्या है एयर आपकी ना जा सके ठीक है एयर टाइट करने के लिए वैसे अप्रेटस फॉर्म करने तो उसके लिए क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है फिर लास्ट जो यूज़ है वो है फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल अगर आपने फायर प्रूफिंग मटेरियल फॉर्म करना है उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका यूज़ होता है नेक्स्ट है आपका सिटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ द मेजर कंस्टिटुएंट ऑफ द सर्जिकल बैंडेज दैट आर यूज टू सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या है जो सर्जिकल बैंडेज होती है उसका क्या है मेन कंस्टिचुएंट होता है मेन पार्ट होता है क्योंकि ये यूज होता है जो आपकी बोन्स फ्रैक्चर हो गई है ठीक है उसको मतलब उस जगह पे सेट करने के लिए क्या है आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं बिफोर अप्लाइंग ऑन द फ्रैक्चर बोन इट इज़ मेड वेट विद वाटर अगर इसको क्या है अप्लाई किया जाता है उस बोन पे तो उससे पहले उसको क्या किया जाता है वेट विद वाटर वाटर के साथ गीला किया जाता है द बैंडेज इज देन इमीडिएटली स्प्रेड ऑन द ब्रोकन पार्ट और जो आपकी बैंडेज है इमीडिएटली स्प्रेड ऑन ब्रोकन पार्ट मीन्स uh, वो क्या है स्प्रेड uh, हो जाती है जहाँ पे आपका टूटा uh, हुआ पार्ट है एज ए रिज़ल्ट ऑफ हाइड्रेशन इट चेंजेस इन टू जिप्सम विच कीप्स द बोन्स इन पोजिशन दैट हैव बीन मेड स्ट्रेट बाय द डॉक्टर बिफोर अप्लाइंग द प्लास्टर ठीक है वो क्या है आपका रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन ठीक है तो ये चेंज हो जाएगा आपका जिप्सम में क्योंकि उसमें क्या है आपका वाटर ऐड किया है तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में तो वही हेल्प करता है आपका जो आपकी बोन्स हैं उसको स्ट्रेट और uh, क्या है uh, मतलब सही पोजीशन पे लाने के लिए वही आपका यूज़ होता है स्लो स्लो कैल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस ऑन द ब्रोकन पार्ट एंड द गैप इज़ ग्रेजुअली फिल्ड ठीक है तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या है वो जो पार्ट है वो वो क्या है अपनी जगह पर आ जाता है फिल होने लगता है और क्या है जो ब्रोकन पार्ट है जो गैप अराइज़ हुआ है वो धीरे धीरे क्या है फिल्ड हो जाता है इन दिस वे ब्रोकन बोन्स वंस अगेन अनटाइट टू फॉर्म द सिंगल पीस और धीरे धीरे वो क्या है आपस में जॉइंट हो जाता है और सिंगल पीस में कन्वर्ट हो जाता है तो रिएक्शन क्या होती है वहाँ पर कैल्शियम जो प्लास्टर ऑफ़ पैरिस है वॉटर जब हमने ऐड किया तो वो जिप्सम में आपका कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो इस टाइप से आपके जो प्लास्टर ऑफ पैरिस है उसका क्या है यूज़ डिफरेंट यूजेज है ठीक है तो आपने याद रखना है जो आपका कैल्शियम जो सल्फ़ेट डॉट एच टू ओ मीन्स आपका कैल्शियम सल्फ़ेट सी एस ओ फोर डॉट हाफ़ एच टू ओ ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका ठीक है तो अगर आपका हाफ़ एच टू ओ तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर यहाँ पे टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वाटर के तो आपका क्या हो जाएगा ये जिप्सम ठीक है और ये कैसे प्रिपेयर होता है जब जिप्सम को क्या है थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है तो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाता है ठीक है अगर आपका ग्रेटर हो जाएगा टेम्परेचर तो ये आपका आ, क्या हो जाएगा डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फ़ेट फॉर्म हो जाएगा मीन्स टोटली totally जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फ़ेट में वो क्या है इवेपोरेट हो जाएंगे ठीक है तो इस टाइप से आपके पास क्या है कैल्शियम मतलब कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट फॉर्म हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है फिर यूज़ेस भी हमने स्टडी कर लिए ठीक है तो इस टाइप से ये आपका जो लॉ लास्ट जो सॉल्ट था वो आपका कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ठीक है